साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज का दिन आपका शुभ हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। सामने आप ये देख रहे हैं बहुत ही सुंदर आकर्षित पेंडा नस और स्क्रू पाइन की ये वैरायटी है। और ये देखिए इसमें इसी तरह की आकर्षण रहता है। इसमें एक और पहले हम बना चुके हैं, ये दूसरा बना रहे हैं आपके सामने। और ये देखिए इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ये हमको एक पौधा बहुत अच्छा मिला और ये कटिंग के द्वारा ही डेवलपमेंट है। देखिए इसको कटिंग के द्वारा ही डेवलपमेंट किया गया है, मतलब उसे निकाल के और कटिंग बनाई गई है। और देखिए ये कितना अच्छा प्रोपोगेशन इसमें चल रहा है। बस यही से इसको प्रोपोगेट इनको कर लिया जाए, कुछ दिनों के बाद इसमें यहीं से जड़ आ जाएगी। ये देखिए ये भी निकल रहा है और इस तरह से ये देखिए इसमें ये देखिए ये अंकुरण हो रहे हैं, यहीं से पौधा तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है इसका, देखिए बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। ये देखिए इसको अलग से निकाल लें, इसमें अभी नहीं, लगभग 2-2.5 महीने बाद इसमें जड़ आ जाएगी। जब जड़ आ जाए तभी निकालिए, अगर बिगड़ जड़ के आपने निकाल लिया तो फिर ये नहीं चल पाएगा। ये देखिए और ये छोटा से ही लग जाता है, हमने छोटे से ही इसको लगाया भी है। एक बार वैसे लगा रहे थे पौधा तो इसकी जड़ निकल गई, तो हमने उसको मिट्टी में लगा दिया तो वो लग गया। ये इसमें बहुत वो है और बहुत ही आकर्षण होता है। देखिए इसमें हम इसको लगा रहे हैं, इसकी मिट्टी का विशेष वो बनाइए कि इसमें 30% तो सेंड डाल दीजिए और नीम खली डालिए और लीफ कंपोस्ट जरूर, जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट हैं इनमें लीफ कंपोस्ट जरूर डालें, क्योंकि हमने देखा है कि इनका विकास उसमें बहुत अच्छा होता है। और भाई अगर काउडंग की आपको मिल जाए पुरानी तो हम सलाह आपको देंगे, नया तो हम नहीं सलाह देंगे आपके कि नए आप उसमें किसी तरह का वो करें, क्योंकि उसमें फिर फंगस लग जाती है। ये देखिए आपके सामने ये पौधा लग गया। आजकल रिपोर्ट ये बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है रिपोर्टिंग का। गमलों को अगर आपको रिपोर्ट करना है, छोटे गमले में आपका पौधा लगा है उसको बड़े गमले में करना है, तो इस टाइम आप बहुत आसानी से कर लें। और इसका जो मीडिया बताया है वो एक बार मजबूत पहले से ही डाल दीजिए, तो बार बार फिर आपको इनको 2-2.5-3 साल तक इन पौधों को फिर छेड़ना नहीं पड़ता है, अगर आपने मीडिया अच्छा बना दिया पहले से ही। तो ये एक सावधानी है और कोई ज़्यादा नहीं, सादा मिट्टी करीब 40% लीजिए, उसमें लीफ कंपोस्ट मिलाइए और जो है नीम खली मिला दीजिए, जिससे कभी भी फिर आपके मिट्टी में किसी भी तरह के कीटाणु नहीं लग पाएंगे। और इस पौधे में इतनी अच्छी खास बात है कि इसमें कोई कीड़े नहीं लगते, बस ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा रखें, पानी तभी दें जब इसके ऊपर की लेयर आपको सूखी दिखाई दे। और जब भी गमला लगाएं उसको बहुत टाइट वो कर दें, मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से दबा दें, एयर ना जा पाए, एयर जाने से फिर पौधा जो है हो जाता है। और आजकल बारिश का सीज़न चल रहा है इसलिए पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें, पानी उतना ही दें जितनी आवश्यकता हो, कल फिर डाल दीजिए, दूसरे दिन डाल दीजिए, लेकिन एकदम से ना दें। पहले गर्मियों में तो यह है कि भाई एकदम से पूरा पानी भर दीजिए, लेकिन आजकल तो क्योंकि मिट्टी में भी मॉइस्चर है तो मिट्टी फिर अपने आप बैठ जाती है, इस समय ये थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। गर्मियों के पौधे लगाने में और इस समय के पौधे लगाने में यही डिफरेंस है कि इसमें पानी ज़्यादा मत दीजिए और गर्मियों में पानी ज़्यादा दीजिए, इससे मिट्टी भी बैठ जाए। इस टाइम तो मिट्टी में इतना मॉइस्चर है कि आपने डाला और मिट्टी 2 घंटे बाद ही पूरी तरह से सेट हो जाएगी और उसी में जड़ें भी सेट हो जाएंगी पौधे की। तो ये देखिए साहब सुंदर पौधा लग गया, इसी तरह आप भी लगाइए और लगाते चलिए। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू, थैंक यू।